नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ तक पहुंच गया दोस्तों। ब्रेकआउट इसमें बना हुआ है, नया 52 वीक हाई बनाया है, तो और कितना बढ़ सकता है स्टॉक उसकी बात करते हैं। अपने IPO प्राइस से लगभग 15 से 20% तेज़ी आ चुकी है। पिछले साल ये लिस्ट हुआ था एक्सचेंज में और गिरावट आई थी। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 4 अक्टूबर 2022 को ये 100 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहे हैं और शेयर बाज़ार में भी तेज़ी रही, ज़बरदस्त तेज़ी रही 4 अक्टूबर 2022 को। आगे आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन है तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के सेल्स बढ़ सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स के 158 शोरूम्स है वर्ल्ड वाइड, बाहर भी इसके स्टोर्स हैं, कतर में है, ओमान में है, UAE में है, कुवैत में है और भारत के हर स्टेट में है दोस्तों। और कंपनी के द्वारा शोरूम और बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि टाइटन हर शहर में, हर स्टेट में शोरूम है, उसी तरह से कल्याण ज्वेलर्स के द्वारा भी स्टोर्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो फिलहाल कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं तो स्टॉक प्राइस में एक ब्रेकआउट मिला है, 3 फिगर में स्टॉक पहुंचा है। तो जिन निवेशकों के पास कल्याण ज्वेलर्स है तो और कितना बढ़ सकता है उसकी बात करेंगे। फिलहाल फंडामेंटली बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 10,321 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 31 का, अर्निंग पर शेयर है 3.42 का। कंपनी के द्वारा आने वाले समय में डिविडेंड भी दिया जा सकता है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर में जो इसका सेल्स था वो था दोस्तों 2,718 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 95 करोड़ का था, 95 करोड़ का। तो अब की बार का जो दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे ये सेल्स बढ़ के आ सकते हैं और कंपनी को प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। जैसे कि फेस्टिवल सीजन है उसमें ज्वेलरी की खरीदारी काफ़ी होती है, तो दूसरी तिमाही में अगर सेल्स बढ़ते हैं और प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 60.54% की, तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। और कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ के आसपास स्टॉक प्राइस पहुँचा है, तो डिपेंड करेगा कि नतीजे किस प्रकार के रहते हैं दोस्तों। और कंपनी ने अपना डेप्ट भी कम किया है। शेयर प्राइस की बात करते हैं तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है और पिछले साल ये लिस्ट हुआ था दोस्तों, पिछले साल ये मार्च में लिस्ट हुआ था, 26 मार्च 2021 को 75 रुपीज़ में था। इसके बाद इसमें गिरावट आई, नीचे की तरफ आया 58 रुपीज़, उसके बाद ये 85 रुपीज़ तक गया और इसमें फिर उतार चढ़ाव बना रहा। और इसमें जो तेज़ी बनी है 17 जून 2022 को, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4-5 महीने पहले ये 57 रुपीज़ में था, तब मार्केट में एक तरह से गिरावट भी थी दोस्तों, तो बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच गया। ये एक बड़ा ब्रेकआउट मिला है टेक्निकली, इसमें ये क्लोजिंग आई है 100.75 रुपये में और 103 रुपये इसका हाई है। अगर 103 रुपये के ऊपर चलने लग जाए स्टॉक, जब 107 और 109 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए सीधे से 113 आ जाएगा दोस्तों, 113 आ जाएगा, 1113 तक जाएगा और वहाँ पर थोड़ा बहुत हड़ल दिख सकता है, उसके बाद और तेज़ी बन सकती है दोस्तों और लगभग 117 से 120 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। तो मान के चलिए यहाँ से और 15 से 20% तेज होता हुआ दिखाई देगा और ये 100 रुपीज़ के ऊपर अगर कारोबार करने लग जाएगा तो स्टॉक में और तेज़ी आ सकती है दोस्तों, स्टॉक में और तेज़ी आ सकती है। तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और बने रहना चाहिए क्योंकि आगे फेस्टिवल सीजन भी है, दूसरे तिमाही के नतीजे आएंगे तो उसमें अगर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ता है तो डेफिनेटली स्टॉक और अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है। तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए और बीच बीच में थोड़ा बहुत हडल्स रहेंगे। और जैसे कि इससे पहले भी देखने को मिला हम लोगों को, उसके बाद नीचे की तरफ आ गया था स्टॉक, फिर से बढ़ गया दोस्तों।
तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने नया हाई बना लिया है, ब्रेकआउट मिला है टेक्निकली और फंडामेंटली सुधार हो रहा है और शेयर मार्केट में भी तेजी है, शेयर बाजार में भी तेजी है। तो जिन शेयर होल्डर्स के पास कल्याण ज्वेलर्स है तो होल्ड करना चाहिए और बने रहना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए स्टॉक को। तो दोस्तों ये ग्राफ के अनुसार लेवल्स थे और कल्याण ज्वेलर्स के जो फाइनेंशियल नंबर थे उसके अनुसार एनालिसिस था और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स शेयर मार्केट के अनुसार था दोस्तों।